कमाल क्रिकेट के एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज बहुत बड़ा दिन है बीसीसीआई के लिए, क्योंकि बीसीसीआई के जितने भी आला अधिकारी हैं, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, सभी ऑफिस बियरर्स के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनके केस को लेकर आज सुनवाई होनी है। और भैया, अगर इनके पक्ष में फैसला आएगा तो फिर ये कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं आएगा तो फिर इन सभी ऑफिशियल्स को स्टेप डाउन करना पड़ जाएगा। क्या है पूरा मैटर, कौन सी सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, इस वीडियो में बताऊंगा। और दो मेजर खिलाड़ियों की इंजरी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो भैया, चलिए शुरुआत करते हैं, सारी खबरों पर बात करते हैं। और पहली खबर मेरे पास यह है कि कमाल लाजवाब राहुल, पीटीआई की रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है कि केएल राहुल आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला में कप्तान के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। अब वैसे वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला में शिखर धवन कप्तान है, लेकिन क्योंकि केएल अवेलेबल नहीं थे, लेकिन वो अवेलेबल अब रहेंगे। हाल फिलहाल में एनसीए में वो काफी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं केएल राहुल फिट हैं और अवेलेबल भी हैं वेस्टइंडीज दौरे के भी लिए, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओडीआई श्रृंखला जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रहेगी, वहां पर कप्तान के भी तौर पर आपको केएल राहुल देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों दीपक चहर को लेकर है, बहुत लंबे समय से बाहर है, आईपीएल 2022 में जो है अनअवेलेबल थे सीएसके के लिए, जो कि काफी बड़ा झटका इस टीम के लिए साबित हुआ था। और अब रिपोर्ट्स का ये कहना है कि दीपक चहर पूरी तरीके से फिट हैं और अवेलेबल हैं। एंड इनफैक्ट दोस्तों दीपक चहर ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में ये बात भी बोली कि मैं बहुत ही ज्यादा प्लीज्ड हूं मेरी रिकवरी से, हाल फिलहाल में मेरी गेंदबाजी काफी सही जा रही है, मैं पूरे फुल फोर्स में गेंदबाजी कर पा रहा हूं, और कहीं ना कहीं मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ स्क्वाड में मेरा नाम होगा और उसके बाद एशिया कप में भी मैं अपनी छाप छोड़ता हुआ नजर आऊंगा। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है यहां पर दीपक चहर कि भैया वेस्टइंडीज दौरे को हटाओ, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ मुझे जाना है और एशिया कप में जगह बनाना है। हालांकि काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो काफी सारे वहां पर लाइक्स एंड सारी चीजें आई, और वहां पर यह बोला गया कि क्या उनकी जगह बनती है, क्या उनकी जगह बन पा रही है, क्या भुवनेश्वर कुमार अब इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास और भी सारे पेसर्स हैं। सो दिस इज द बिग क्वेश्चन, खैर उसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ, नहीं नेक्स्ट सवाल का, नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और नेक्स्ट अपडेट यहां पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगी बीसीसीआई की प्ली, और वो है जय शाह एंड बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के टेन्योर को लेकर, जी हां उनके कार्यकाल को लेकर, जो कि ऑलरेडी एज पर द करंट रूल जो अभी के नियम है उनका टेन्योर यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो ओवर हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उन्हें अब तक स्टेप डाउन कर देना चाहिए था, लेकिन इसी के अगेंस्ट, इसी रूल को बदलने के अगेंस्ट बीसीसीआई ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्जी अपनी लगा रखी है, और इसीलिए वो अभी तक कंटिन्यू भी कर रहे हैं। क्या आपको ये फैक्ट पता था, नहीं पता था तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, पता था तब तो फिर अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा ना भाई। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि बीसीसीआई क्या लेकर गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट, और आज किस चीज की सुनवाई होने वाली है, बेसिकली कौन कौन से ये अमेंडमेंट यानी कि नियमों में संशोधन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, क्या होता है चलिए समझिएगा, नियम ये कहते हैं जो लेटेस्ट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था लोढ़ा समिति से यहां पर जो है रिकमेंडेशन लेने के बाद, वो ये था कि देखिए भैया अगर आप बीसीसीआई दफ्तर में किसी भी तौर पर, ये जरूरी नहीं है कि आप बीसीसीआई के जो है प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी भी हो, आप किसी स्टेट से जुड़े हुए हो, किसी भी जो है दफ्तर में अगर आप 6 साल तक लगातार कंबाइंड जुड़े हुए हैं तो उसके बाद आपको 3 साल का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा, यानी कि 3 साल आप बीसीसीआई से किसी भी तरीके से नहीं जुड़ सकते। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, राजीव शुक्ला सर तो ऑलरेडी वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस को तो वैसे भी अलाउड नहीं है, तो वो भी जो है मतलब एज पर द करंट रूल्स वो नहीं हो सकते हैं यहां पर बीसीसीआई के दफ्तर में। सौरभ गांगुली, प्रेसिडेंट साहब, इन सभी लोगों ने 6 साल सर्व कर दिया है, क्योंकि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने से पहले भी स्टेट एसोसिएशंस में सभी लोग ऑलरेडी जुड़े हुए थे, तो उसके बाद अब इनको एज पर रूल्स 3 साल कॉलिंग ऑफ पीरियड यानी कि 3 साल इनको बाहर रहना पड़ेगा बीसीसीआई से, ये नियम कहते हैं। और इसी के अगेंस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है दूसरे सबसे बड़ा जो संशोधन ये चाहते हैं कि बीसीसीआई को पावर ये दे दी जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नियमों में संशोधन कर सके, ये ऐसा ना हो कि लोढ़ा समिति ने इसके पहले ये नियम लगाया था कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ही के पास आप जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ही कोई अगर जैसे आपको कोई नियम चेंज करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, वो अप्रूवल देगी तभी आप नियम चेंज कर सकते हो। तो बीसीसीआई कहीं ना कहीं साफ तौर पर मैं कहूंगा फुल पावर चाहते हैं, मोनोपोली चाहते हैं, आप शायद मोनोपोली बहुत हार्श टर्म हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं फुल पावर चाहते हैं कि भैया हमें हमारा
हमारा हक दे दो, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन लगाना है, हम डिसाइड करेंगे कि भाई कौन कब तक रहेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड वीरियड नहीं रहेगा, जिसको जब तक जो है रहना है वो आराम से रह सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर आज सुनवाई। आई होप अब आप लोग पूरा मैटर समझ गए होंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट पर आगे बढ़ते हैं। कमरान अकमल साहब ने यहाँ पर जो है एक न्यूज़ चैनल, एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए विराट कोहली पर कहा कि भाई साहब मैं देख रहा हूँ ना हाल फिलहाल में क्या चल रहा है कि जो एक दो इंटरनेशनल मुकाबले खेल कर आए हैं वो विराट कोहली को ज्ञान दे रहे हैं और मैं इस चीज़ों पर सिर्फ हंस सकता हूँ क्योंकि ही डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ ज्ञान। तो भैया उनको वो 70 सेंचुरी से हवा में बंदे ने नहीं मारी है, मारा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ क्लास है, कुछ उनकी जो है काबिलियत है, तो वो बाउंस बैक कर जाएंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने टांग खींची है उन सभी लोगों की जो ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि जो एक दो मैचेस खेले हैं वो तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर जो क्रिकेट का सी भी नहीं जानते वो भी ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर तो मतलब एक दो मैचेस तो बहुत बड़ी बात हो गई। खैर इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि स्टार स्पोर्ट्स ने रिपोर्टेडली ऑस्ट्रेलिया के जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली राइट्स क्लेम किए हैं स्पेशली इन इंडिया। यानी कि अब तक आप देख रहे थे कि सोनी पर हमें दिखता था, सिर्फ सोनी पे दिखेगा, वहीं पर हम एशेज एंड बिग बैश एंड ये सारी चीजें देखते थे। ऑस्ट्रेलिया का जब भारत दौरा करता था तो भी हम वहीं पर देखते थे, लेकिन अब यहां पर अगले शायद 3-4 साल के लिए यहां पर स्टार स्पोर्ट्स ने इस चीज को क्लेम कर लिया है, ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। और उसके बाद लैंकशायर क्रिकेट जो कि काउंटी है बेसिकली इंग्लैंड की, उनके सीईओ साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि देखिए हमें बड़ा मजा आएगा अगर सीएसकेआर सीबीएमआई जैसी या फिर कोई भी जैसी आईपीएल चैंपियन टीम्स हमें देखने को मिले हमारे अगेंस्ट एक फ्रेंडली क्रिकेट खेलते हुए, हमें बड़ा मजा आएगा और हमारे फैंस भी कहीं ना कहीं इस चीज को काफी एंजॉय करेंगे। तो यार ये एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगा, ध्यान रखना, याद रखना, मुझे लगता है वो दिन अब बहुत दूर नहीं है ना जब सिर्फ आईपीएल एक डोमेस्टिक क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। वो ऐसा हो जाएगा ना कि आईपीएल की जो टीमें हैं वो जाकर देश विदेश में दूसरी दूसरी टीमों से कम्पीट करें। क्या पता आपको आरसीबी एक दिन बिग बैश में सिडनी थंडर से या फिर सिडनी सिक्सर से या फिर हॉबर्ट ह्यूरिकेन से कम्पीट करती हुई नजर आए, सीएसके किसी और टीम से, मतलब ब्रिस्बेन से। ये मुझे लगता है ना कि ये चीज़ दूर नहीं है क्योंकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट का जमाना आ चुका है। और भैया ये बात यही सेम बात रवि शास्त्री साहब ने भी बोली। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि T20 बायलेटरल्स को, ये जो हम भारत दक्षिण अफ्रीका भारत फलाना ढमकाना खेलते हैं, इन सब चीजों को रिड्यूस कर देना चाहिए और फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि वही फ्यूचर है। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही फ्यूचर है जनाब, यही फ्यूचर है और यही होना है, ये तय है, ये 100% है। आप मानकर चलिए कि यही फ्यूचर है, आज नहीं तो कल आपको यही देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरे विश्व में डोमिनेट करते हुए नजर आएंगी। और जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जो लोग इनसाइड हैं, उन्हें इस चीज के बारे में अच्छे से पता भी है। खैर इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट है, रिकी पोंटिंग साहब का यहां पर बयान आया। अब इन्होंने भी विराट कोहली पर बयान दे डाला, सब लोग दे रहे हैं भैया, लेकिन खैर ये तो बहुत बड़े लीजेंड है। इन्होंने बोला कि अगर मैं इंडिया होता, मतलब अगर मैं BCCI बेसिकली होता तो मैं विराट कोहली को पूरी तरीके से बैक करता, क्योंकि बात यह है कि आज आप उन्हें ड्रॉप कर दो T20 वर्ल्ड कप में, कोई और आए परफॉर्म भी कर दे, उन्होंने ये बोला, तो ये बहुत मुश्किल होगा विराट के लिए फिर कम बैक करना, विच सीम्स इम्पॉसिबल, मतलब फिर तो ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये होता है कि भैया आप उन्हें बैक करो क्योंकि आपको उनका अपसाइड पता है, यानी कि आपको पता है कि भैया अगर टेबल टर्न हुई, अगर वो खिलाड़ी फॉर्म में आया तो फिर वो कहाँ लेकर जाएगा। अगर ये चीज़ आपको पता है तो फिर आप उनको बैक करिए भैया, ये बात यहां पर रिकी पोंटिंग साहब ने बोली है। और ऐसे में ये रहे आज दिन भर की कुछ खास हम खास खबरें, बात कर लेते हैं स्टैट्स ऑफ द डे के बारे में। आंकड़े कहते हैं कि चेतेश्वर पुजारा भैया गमाल कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने काउंटी क्रिकेट में फिर से दोहरा शतक जड़ दिया और लॉर्ड्स के मैदान पर दोहरा शतक जड़ने वाले ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए। इसके पहले ये कारनामा किसी ने नहीं किया था, हालांकि डेफिनेटली ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक लेवल पर भी ये कारनामा किसी ने भी आज तक नहीं किया था। दोस्तों आज का जो मेरा सवाल रहेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप बीसीसीआई के आला अधिकारियों को कंटिन्यू करते हुए देखना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि वो स्टेप डाउन कर जाएं और ये समय है कि कहीं ना कहीं नए ऑफिशियल्स आए। ऑब्वियसली जिसका मतलब यह है कि बीसीसीआई के अगेंस्ट यहां पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाए। क्या लगता है आप लोग को, आप किसके साथ हो, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो हर एक दिन सुबह 10-10 बजे आप लोगों तक भोरे भोरे पहुंचते रहती है। हालांकि भोरे तो नहीं, बट 10 बजे प्रीटी मच हम जैसों के लिए सुबह ही है, तो पहुंचती रहती है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।